हेलो दोस्तों, माय सेल्फ कविता नागर। आज मैं आपके सामने एमवे का लाइव डिटर्जेंट का डेमो करने वाली हूँ। एसेट लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ये हमारा कपड़े धोने का आता है और इसका मैं लाइव डेमो दिखा रही हूँ। मैंने दो गिलास में पानी लिया है और एक में मैंने ये वार्निश है इसको डाल दिया है और दूसरे गिलास में मैंने ये जो एसेट है इसको मेजरिंग टेप से मेजर करके थोड़ा सा मामूली सा मैंने एक ग्लास में डाल दिया है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब ये जो एसेट है ये कैसे बेस्ट है दूसरे मार्केट के डिटर्जेंट से, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके लिए मैंने हल्दी ली है। हल्दी एक नेचुरल सोर्स है और हल्दी से अगर कोई भी चीज़ रिएक्ट करती है तो वो कलर चेंज कर लेती है। अगर हमारी हल्दी को अगर हम इसमें डालते हैं ग्लासेस में तो आप देखना, अगर ये कलर चेंज कर रहा है इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट के अंदर केमिकल है, इससे ये जानकारी हमें मिलेगी। और इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी आपको। ये आप नीचे देख रहे होंगे, इसमें नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके नीचे कुछ कण से हैं, ये पिघले नहीं हैं पानी के अंदर और ये हमारे वॉशिंग मशीन में या बकेट में हमें अलग से नज़र भी आते हैं और यही हमारे जो कपड़े हैं उसके बीच में ये फंस जाते हैं और हमें इससे इचिंग प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँगी, अब आप देखो, लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इसमें हल्दी डाली है दोनों के अंदर और हल्दी डालने से ये जो वार्निश था ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल रेड हो गया और नीचे आपको वही चीज़ नज़र आ रही है जो मैंने पहले भी दिखाई है आपको, जो बकेट में और वॉशिंग मशीन में अलग से नज़र आती है। इसे इसको हम फिलर्स बोलते हैं। ये क्या है, फिलर्स हैं जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं स्किन से रिलेटेड। इसके अलावा ये आप देखिए कि ये एज इट इज़ जो हल्दी थी वैसे का वैसा इसका कलर है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये डेमो हमें ये प्रूव करके दिखा रहा है कि इसमें केमिकल नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताना चाहूँगी कि जो एसेट है ये क्या करता है। एसेट 4-in-1 फॉर्मूला इसमें है, ये हमें फ्रेग्रेंस भी देगा, इसके अंदर वाइटनर भी है, ये सॉफ्ट भी बनाएगा कपड़े को। और आप देखिए कि इसमें कितने झाग आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए आप, अगर मैं इसको हिलाऊंगी तो इतने सारे झाग बन जाएंगे और सर्फ एक्सेल या और भी आप सर्फ को यूज़ करते होंगे तो आपको इतने सारे झागों की वजह से बार बार पानी में डिप करना पड़ता होगा कपड़ों को, फिर वापस से डिप करना पड़ता होगा, यानी कि एक कपड़े धोने के लिए हमें 4 बाल्टी पानी चाहिए और यहाँ पर ये कोई झाग नहीं बना रहा है और इसमें कोई झाग नहीं बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये जब हम सर्फ एक्सेल या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं घर के अंदर तो उससे मैक्सिमम लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। और आप ये भी देखते होंगे कि धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आज वॉश किया तो कपड़ा एक वॉश के बाद डल हो जाता है, बिल्कुल डल, ऐसा लगता है कि अगर पार्टी वियर है तो उसको मैं दोबारा नहीं पहन सकता, शर्ट है तो उसके पूरा जो ब्लैक पैंट है तो बिल्कुल रेड सी उस पर धारिया सी हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं बहुत सारे कपड़ों के ऊपर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर वार्निश यूज़ कर रहे हो, इजी यूज़ कर रहे हो, या कोई भी प्रोडक्ट अलग से नील यूज़ कर रहे हो, या सॉफ्टनर अलग से यूज़ कर रहे हो, या वाइटनर अलग से यूज़ कर रहे हो, तो वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन में ये पावर का बटन मैंने स्टार्ट किया, ये ऑटोमेटिक मशीन है और ये मैंने इसके अंदर पानी का स्टार्ट कर दिया। इसमें दो चीज़ है, एक ये खांचा बना हुआ है इसमें हम हमारा एसेट डाल सकते हैं और इसके अलावा ये जो है ड्रम, इस ड्रम के अंदर जब पानी फुल हो जाएगा या पानी जब भर जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अगर आधा भरा है ये तो आधे पर हमें ये 1 लीटर में 1 ml डालना है। मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैंने ये 15 लीटर पानी लिया है तो इसमें ये 15 ml जो है ये मैंने इसके अंदर फिल कर लिया, ये 15 ml मैंने इसमें फिल कर लिया और 15 ml मुझे इसके अंदर डालना है, यानी कि आधा अगर ये बकेट भरा हुआ है, आधा ड्रम भरा हुआ है तो मुझे 15 ml डालना है और आधे से ज़्यादा भरा हुआ है यानी फुल मैंने भर दिया तो मुझे सिर्फ ये 1 कैप डालनी है, ना इसके बाद मुझे कोई सर्फ यूज़ करना, ना मुझे अलग से रगड़ना और ना ही मुझे इसके बाद कोई साबुन यूज़ करना।
चैलेंज ही आता है कि यार हमारे पास तो फुली लोडेड मशीन है, अब हम इसको कैसे यूज़ करें। तो तरीका ये है कि आप इसको भर लीजिए पानी से, उसके बाद इसको डाल दीजिए, खिला लो और फिर कपड़े डाल दो, और कपड़े डाल के मशीन को इसको बंद करके चलने दो। उसके बाद हमें दोबारा इसको यूज़ नहीं करना। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और मार्केट ये एसेट डेलिकेट आता है। ये एसेट डेलिकेट उलन्स के लिए है, जैसे कि उलन में हम स्वेटर धोते हैं, सोल धोते हैं, कंबल धोते हैं। तो ये पानी मैंने ऑफ कर दिया है, डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो ये डेलिकेट है, डेलिकेट भी हमें इसी तरह से यूज़ करना है। एक ml में, एक ml डलेगा एक लीटर पानी में, ये हमें ये याद रखना है। ये मेजरिंग केप है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत महंगी बोतल है। दोस्तों ये 460 रुपए का है, आप इजी यूज़ करते हो, वो कोई सस्ती नहीं आती, लेकिन उससे बेस्ट क्वालिटी का है और आपके कपड़े बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे स्वेटर्स जब हम धोते हैं पानी में तो उसके ऊपर छोटे छोटे से अलग से उलन के कुछ निकल जाते हैं और फिर वो हमें चुभते हैं। और बहुत सारी बार क्या होता है कि स्वेटर इतनी हार्ड हो जाती है कि बच्चों को रैशेज भी हो जाते हैं। तो उलन के लिए सबसे बेस्ट है ये बोतल। आपके साल भर ख़त्म नहीं होगी अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में मेज़र करके अगर इसको यूज़ करेंगे तो। और साल भर में 6 महीने सर्दियाँ पड़ती है, तो 6 महीने भी कहाँ पड़ती है, 3 महीने पड़ती है। तो 3 महीने में ये ख़त्म नहीं होने वाला। इसको आप प्रॉपर मेजर करके नाप के डालिए और आप देखेंगे कि स्वेटर पुरानी नहीं होगी, स्वेटर जो है वो चुभेगी नहीं, रैशेज नहीं होंगे, सॉफ्ट रहेगी। और इसी के साथ साथ ये कपड़े धोने का जो हमारा लिक्विड है, ये भी आप रोज़ यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि इसको हम अच्छे कपड़ों के लिए यूज़ करें, ये रोज़ यूज़ करने के लिए। ये सर्फ एक्सेल और भी आप रिन और बहुत तरह के मार्केट में बहुत तरह के सर्फ वगैरह आते हैं, उसकी जगह आप ये यूज़ करिए। इसको यूज़ करने से क्या होगा, आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कपड़े की क्वालिटी बढ़ जाएगी। इन्वायरमेंट को जो सर्फ जो नुकसान पहुंचा रहा है, ये इको फ्रेंडली है। अगर इसका जो पानी है, जैसे कि मान लीजिए आपने बाल्टी, अब बहुत से लोग कहेंगे हमारे पास तो वॉशिंग मशीन ही नहीं है, तो मैं बाल्टी के लिए बता देती हूँ। अगर आप आधी बाल्टी भर रहे हो तो आधी बाल्टी लगभग 10 लीटर की होती है, तो 10 लीटर के लिए हमें इसमें से 10 ml नाप के डालना है। उसके बाद हमें कोई सर्फ और साबुन नहीं लगाना, क्योंकि इसमें झाग नहीं बनेंगे। तो हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो कि इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे, लेकिन आप ये अलग से फिर भी सर्फ और साबुन यूज़ मत करना। नहीं बनेंगे झाग तब भी ये बहुत बेस्ट है। और उस पानी को आप पौधों में डाल सकते हो, वो इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत सेफ है, ये एंजाइम बेस्ड क्लीनर है। और जब आप ये यूज़ करें तो इसको पानी से धो के इस पर नहीं लगाना, इसको आप कपड़े से भी नहीं पहुँचे, क्योंकि ये इसी शेप से बना हुआ है कि आप जब इसमें वापस डालोगे तो पूरा लिक्विड इसी के अंदर चला जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत सेफ है। और जो लोग रेगुलर सर्फ एक्सेल वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं, उनको 1 साल में या 6 महीने में सर्विस करवानी पड़ती है वॉशिंग मशीन की, क्योंकि उसकी जो छिद्र होते हैं, जो नाली होती है, वो चोक हो जाती है और उसको साफ करने के लिए हमें बार बार सर्विसिंग करवानी पड़ती है। जब आप ये यूज़ करोगे तो आपकी वॉशिंग मशीन की भी लाइफ बढ़ जाएगी, कपड़े की भी लाइफ बढ़ जाएगी। और फीमेल्स तो रोज़ कपड़े धोती है, हाथों से धोती है, तो हमारे हाथ जो है ना, ये इतने कीमती हैं। जब आप हाथों से कपड़े धोते हो तो आप कभी फील करना कि किसी किसी के हाथ फट जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जलन लगती है, इचिंग होने लगती है, ड्राइनेस आ जाती है। बट इसको जब आप यूज़ करोगे तो आपके हाथ बहुत अच्छे रहेंगे। और ये प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। जब आप उसको अपने सांस के द्वारा जब उसको अंदर ले रहे होंगे, जब आप कपड़े धोते हो तो वहाँ फ्यूम्स निकलती है। जैसे कि आप सर्फ की बात करूँ तो सर्फ में अलग से फ्रेग्रेंस आती है, उसको आप इन्हेल करते हो, तो वो भी अपने लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन इसको अगर आप सूंघ रहे हो तब भी कोई नुकसान नहीं है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हाथ भी अच्छे रहेंगे, कपड़े की लाइफ बढ़ जाएगी, वॉशिंग मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी। इवन आप पौधों में डालोगे तो पौधे ग्रो कर जाएंगे। बच्चों के कपड़े अगर आप इसमें धोते हो तो बच्चों के कपड़े धोने से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर तरह से ये सेफ है, आप इसको यूज़ करिए। और मैं आपको एक लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, तब आपको इसकी पता लगेगा इसके बारे में कि क्या चीज़ है। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं पेड़ लगाएं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो ये आप करिए, यूज़ करिए। और सर्फ एक्सेल से ये बहुत इवन सस्ता ही पड़ता है अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत कंसंट्रेट है, मतलब कि ये बहुत गाढ़ा है, इसमें आपको पानी मिलाना पड़ेगा। तो हर तरह से मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।